उदयपुर के वल्लभ नगर से विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का 48 वर्ष की उम्र में दिल्ली के ILBS अस्पताल में बुधवार को सुबह 5 बजे निधन हो गया। गजेंद्र सिंह शक्तावत का पिछले 37 दिनों से दिल्ली में ही उपचार चल रहा था। उन्हें लीवर प्रॉब्लम होने पर दिल्ली एडमिट करवाया गया था। इस दौरान उन्हें कोरोना संक्रमण भी हो गया, जिसके कुछ दिन बाद उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट जो आई थी वो नेगेटिव आई थी। गजेंद्र सिंह शक्तावत उदयपुर की वल्लभ नगर विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने थे। इससे पहले गजेंद्र सिंह 2008 में भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वल्लभ नगर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें संसदीय सचिव की भी जिम्मेदारी दी थी। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शक्तावत कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत के बेटे हैं। गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी शक्तावत के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं CM अशोक गहलोत ने शक्तावत के निधन के बाद आज होने जा रही कैबिनेट बैठक और डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक भी रद्द कर दी है। इस बैठक में सभी मंत्रियों और प्रमुख अफसरों को जुड़ना था। बता दें कि गजेंद्र सिंह शक्तावत सचिन पायलट के खेमे से के खास नेता माने जाते थे। बीते दिनों हुए राजनीतिक घटनाक्रम में शक्तावत ने सचिन पायलट का साथ दिया था। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद राजनीतिक हलकों में शोक का माहौल है। CM अशोक गहलोत ने आज होने वाली कैबिनेट की बैठक भी रद्द कर दी। दिन में CM की अध्यक्षता में होने वाली डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक भी रद्द कर दी गई है। इस बैठक में सभी मंत्रियों और प्रमुख अफसरों का जुड़ना बाकी है। शक्तावत का अंतिम संस्कार कब और कहां होगा, अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जब भी जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे।